26 अक्टूबर को दीपोत्सव के पहले फैजाबाद डिपो की सभी बसों पर अयोध्या डिपो लिखा होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीपोत्सव के मौके पर फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखने के एक वर्ष बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अब डिपो का नाम बदलने की याद आई है। वहीं आज 18 अक्टूबर से अब फैजाबाद डिपो अयोध्या डिपो होगा। अयोध्या डिपो में 110 बसें हैं और 17 अनुबंधित बसें, जिनमें फैजाबाद डिपो का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज शाम तक सभी बसों पर अयोध्या डिपो लिख दिया जाएगा। यही नहीं, अब फैजाबाद से बनने वाले टिकट भी बदलाव होंगे और फैजाबाद की जगह अब अयोध्या धाम के नाम से यात्रियों की टिकट दी जाएगी। फैजाबाद बस स्टेशन का नाम भी बदलकर अयोध्या बस स्टैंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर राजशेखर के द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम बदलने की प्रक्रिया का जायजा लेने अयोध्या डिपो पहुँचे सेवा प्रबंधक के सिंह ने बताया कि प्रबंधक निदेशक के द्वारा सभी बसों के नाम अयोध्या डिपो हो जाएंगे। इसकी प्रक्रिया आज ही शाम तक समाप्त कर दी जाएगी। फैजाबाद डिपो में 110 बसें हैं परिवहन निगम की और 17 बसें अनुबंधित हैं। इन सभी पे जो है फैजाबाद डिपो की जगह अयोध्या डिपो लिखा जाएगा। इसके निर्देशन में सर बताइए, मुख्यालय के निर्देश पर आज पूरा हो जाएगा। तो अयोध्या डिपो लिखे जाने के निर्देश हैं, उसी को देखने के लिए मैं यहाँ आया था। फैजाबाद डिपो अयोध्या डिपो, तो उसमें जो है आज जो है ये अयोध्या डिपो लिखना पूरा हो जाएगा। लगभग क्या निर्देश दिया लोगों को आपने, कैसे क्या? जल्दी से जल्दी अयोध्या डिपो पूरा लिख दिया जाए। और बस स्टाफ का भी नाम बदलने की बात कही गई थी, बस स्टाफ बदलेंगे आप, उसका जो इसका जो है अब जो है जो फैजाबाद की टिकट बना करेगी वो अयोध्या धाम के नाम से बना करेगी और अयोध्या की।